सूफी रंग 786 चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको पिराने पीर शेख अब्दुल कादर शाह जिलान मीरा गौंस पाक उनकी पूरी कहानी बताएंगे कि वह कौन थे और इस धरती पे क्यों जन्म लिया था उन्होंने। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जनाब गौंस पाक जी का पूरा नाम शेख अब्दुल कादर शाह जिलान। जिलान इन्हों को इसलिए बोला जाता है क्योंकि बगदाद के जिलान शहर में पैदा हुए थे। इनके अब्बा जान जी का नाम था हजरत अबू सवालिया और इनकी माता जी का नाम था उमर खैर फातिमा। यह बात उस समय की है जब जनाब गौंस पाक जी का जन्म नहीं हुआ था। जनाब गौंस पाक जी के अब्बा जान हजरत अबू सवालिया एक दिन एक नदी के किनारे बैठे इबादत कर रहे थे। ऐसे ही इबादत करते करते उनको 3 से 4 दिन हो गए थे। एक दिन हजरत अबू सवालिया जी ने देखा कि उस नदी में एक सेब आगे की तरफ जा रहा है। उनको भूख भी लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने वह सेब उठाया और उसको खा लिया। पूरा सेब खाने के बाद हजरत अबू सवालिया जी को यह ख्याल आया कि जय सेब किसी और की अमानत थी, हमने बिना किसी से पूछे हुए जय सेब खा लिया, हमें इस भूल का प्रायश्चित करना चाहिए। यह सोचकर वह नदी के किनारे चलने लगे। चलते चलते वह एक सेबों के बाग के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां से सेब गिरकर उस नदी में गिर रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर हजरत अबू सवालिया जी ने वहां पर खड़े लोगों से पूछा कि इस सेबों के बाग का मालिक कौन है। लोगों ने बताया कि इस बाग का मालिक है हजरत अब्दुल सुमी। वह जिलान शहर का बहुत बड़ा अमीर और ईज आदमी था। हजरत अबू सवालिया हजरत सैयद अब्दुल सुमी जी के पास गए और उन्हें जाकर पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने उस नदी से निकालकर एक सेब को खाया था। यह बात सुनकर सैयद सुमी जी ने जनाब गौस पाक जी के अब्बा जान हजरत अबू सवालिया जी के बारे में सोचा कि यह कोई आम आदमी नहीं है, यह कोई अल्लाह का खास नेक बंदा है। यही सोचकर उन्होंने हजरत अबू सवालिया जी को अपने गले से लगा लिया और बोलने लगे कि अगर आप इस सेब की माफी चाहते हो तो आपको 10 साल इस सेबों के बाग की सेवा करनी पड़ेगी, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। उसी समय से ही हजरत अबू सवालिया उस बाग की रखवाली करने लगे थे, उसकी सेवा करने लगे थे। जब 10 साल पूरे हो गए तो हजरत अबू सवालिया जी को 2 साल और सेवा करने का हुक्म हुआ, तो हजरत अबू सवालिया जी ने पूरे 12 साल उस बाग की बड़े तन मन से उसकी सेवा की, उसकी रखवाली की। जब 12 साल पूरे हो गए तो हजरत अब्दुल सुमी जी ने हजरत अबू सवालिया जी से कहा कि ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तू अल्लाह की कसौटी पे पूरा खरा उतरा है, तूने अपने तन मन से सेवा की है, अगर एक शर्त तू और मान ले तो मैं तुझे उस सेब की माफी दे सकता हूँ। यह बात सुनकर हजरत अबू सवालिया जी बोले कि वह कौन सी शर्त है। तो हजरत अब्दुल सुमी जी ने कहा, मेरी एक लड़की है जो आँखों से अंधी है, जुबान से गूंगी है, कानों से बोली है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, मैं उसकी शादी आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप उससे शादी करेंगे तो मैं आपको सेब की माफी दे दूंगा। हजरत अबू सवालिया जी ने भी जय शर्त कबूल की और उनका निकाह हजरत बीबी उमर खैर फातिमा जी के साथ हो गया। जब हजरत अबू सवालिया जी और हजरत बीबी उमर खैर फातिमा जी का पहला मिलन हुआ तो उन्होंने देखा कि यह लड़की ना तो आंखों से अंधी है, ना कानों से बोली है, और ना ही पैरों से लंगड़ी है, और ना ही हाथों से लूली है। उन्होंने सोचा कि शायद ये लड़की वह नहीं है जिसके साथ मेरा निकाह होना था, यह कोई दूसरी लड़की है। यही शंका मन में लेकर वह हजरत अब्दुल सुमी जी के पास गए। जब अब्दुल सुमी जी ने उन्हें देखा तो वह समझ गए कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो हजरत अब्दुल सुमी जी ने फरमाया कि बेटे, मैंने जो भी आपको अपनी लड़की के बारे में बताया था वह बिल्कुल सच है,
क्योंकि ये आंखों से अंधी इसलिए है क्योंकि इसने आज तक किसी भी गैर मर्द पर निगाह नहीं डाली है। आज तक इसने कोई गैर बात नहीं सुनी, इसीलिए वह कानों से बोली है। आज तक इसने किसी भी गलत काम के लिए अपने घर से पैर बाहर नहीं निकाला, इसीलिए वह लंगड़ी है। आज तक इसने उस अल्लाह की शरा के खिलाफ कोई भी गलत काम नहीं किया, इसीलिए वह लुंजी है। यह बात सुनकर हजरत अबू सवालिया बहुत खुश हुए और उनके दिल में अपनी बीवी के लिए प्यार और ज्यादा हो गया। इस तरह उन दोनों पाक हस्तियों की जिंदगी एक नए सिरे से शुरू हुई। काफी समा गुजर गया। इसके साथ सन 411 में हजरत अब्दुल कादर शाह जलान मीरा गौस पाक, जिनको हम दस्तगीर गौस पाक पीर जनाब गौस पाक और भी इनको कई नामों से पुकारा जाता है, जनाब गौस पाक जी का जन्म हुआ। जब हजरत जनाब गौस पाक जी का जन्म हुआ तो उनकी माता जी की उम्र 60 साल की थी। इस उम्र में आकर अक्सर ही औरतें बच्चे की उम्मीद छोड़ देती हैं, बच्चे की खुशी छोड़ देती हैं। पर जय परिवार अल्लाह का खास परिवार था, अल्लाह की खास रहमतें थी, इसी की वजह से 60 साल की उम्र में जनाब गौस पाक जी का जन्म हुआ इस धरती पे। जय भी कहा जाता है कि जब जनाब गौस पाक जी का जन्म हुआ तो उसी समय ही 5 गैबी शक्तियां भी इस धरती पे आई थी। सो प्यारे दोस्तों, ऐसे पिराने पीर शेख अब्दुल कादर शाह जलान मीरा गौस पाक जी का जन्म हुआ था, ये हमें मांगना ना चाहिए। तो जनाब गौस पाक कभी भी किसी को खाली नहीं भेजते। सो पीर बाबा की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।